शिवाय नमस्तुभ्यम। विनीता ब्लॉग में आप लोग का स्वागत है। मैं बना रही हूँ अरबी पत्ते की सब्जी। इसको बनाने के लिए मैंने अरबी पत्ता लिया है और ये है कुछ मसाला जिसको सबसे पहले इसको अच्छे से साफ पानी से धो लेंगे। उसके बाद इसकी सब्जी बनाएंगे। थोड़ा सा पानी में नमक डाल के इसको अच्छे से धो लें ताकि सारी इसकी गंदगी निकल जाए। एक बर्तन लेंगे, उसमें मिलाएंगे बेसन, लहसुन, काली मिर्च, जीरा का पेस्ट, हल्दी, नमक, लाल मिर्च और इसको अच्छे से मिला के फिर हम इस पत्ते पे अच्छे से लगा लेंगे। चारों तरफ अच्छे से लगा देंगे। उसके बाद इसको हम फोल्ड कर देंगे। फोल्ड करने के बाद एक कढ़ाई में पानी को गरम करें और उस पर एक बर्तन रख के स्टैंड डाल के इसको धागा से बांध के इसको रख दें। उसके बाद इसको चेक कर लें, फिर इसको ठंडा होने के बाद इसको कट करें। अब इधर मैंने रख दिया है कढ़ाई में, डाल दिया है मस्टर्ड ऑयल। अब इसको गरम होने के बाद इसमें हम सारे पकौड़े को तल लेंगे अच्छे से। और आपसे नम्र निवेदन है कि आप प्लीज़ मेरे वीडियो को फुल वॉच कीजिए, स्किप बिल्कुल भी मत कीजिए। और पसंद आए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट ज़रूर करें। एक बहन को आगे बढ़ने का मौका दीजिए। कुछ लोग हैं जो बड़ी बड़ी बातें बोल रहे हैं, यूट्यूबर बन रही है ये वो पता नहीं क्या क्या, इसलिए प्लीज़ आप लोग थोड़ा सपोर्ट कीजिए ताकि मैं जो भी कर रही हूँ उसमें आगे बढ़ सकूँ। क्योंकि मुझे इन सब बातों से तो कोई फ़र्क पड़ता नहीं, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मैं सही हूँ। इसलिए आप लोग थोड़ा बस सपोर्ट कीजिए। और जिनको मेरी वीडियो नहीं अच्छी लगती है वो अनसब्सक्राइब कर सकते हैं। तो यहाँ मेरी पकौड़ी बन चुकी है। गर्मी यहाँ मैंने रख दिया कढ़ाई, कढ़ाई में डाला तेल। तेल गर्म होने के बाद इसमें जीरा और सरसों और मेथी डाल देंगे। उसके बाद इधर टमाटर मैंने डाल दिया है। टमाटर को हल्का गलने के बाद इसमें हम सरसों, लहसुन और जीरा और काली मिर्च का पेस्ट डाल देंगे। इसको अच्छी तरह से मिलाएंगे। मिलाने के बाद इसमें लाल मिर्ची डाल देंगे और हल्का गुनगुना पानी ताकि हमारी सरसों अच्छा से पक जाए। उसके बाद स्वाद अनुसार नमक, नमक मैंने बेसन में भी डाला था और पत्ते को धोने में भी और पत्ते को उबालने में भी। उसके बाद लाल मिर्च डाल के अच्छे से मिलाएंगे। अच्छे से मिलाने के बाद इसको हम बिल्कुल लो फ्लेम पे पकने देंगे। 20 मिनट काफ़ी, 20 मिनट तक पकने देंगे मसाले को। उसके बाद अच्छे से इसको भूनेंगे मीडियम फ्लेम पे। Yeah.
अब इसमें थोड़ा पानी देके इसको हम उबाल आने तक पकने देंगे। उसके बाद सारे पकौड़े को इसमें डाल देंगे। पकौड़े को डाल के 5 से 7 मिनट पकने दें। उसके बाद गैस को बंद कर दें। तो सब्जी मेरी रेडी है। पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में नई रेसिपी के साथ। अब तक खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए। बाय बाय।